वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी के डे 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे मूवी आज के दिन कितना कुछ कलेक्शन कर रही है, और साथ ही साथ जानेंगे मूवी अब तक बॉक्स ऑफिस पे हो चुकी हिट, सुपरहिट या फिर बन चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मूवी का जो BGM बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो भाई अमाल मलिक प्रीतम, जो कि अभी के टाइम के जो है कि वन ऑफ द बेस्ट जो है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। और साथ ही साथ बात करिए सिंगर्स की, तो भाई इसमें श्रेया घोषाल, सोनू निगम भाई जो कि इंडिया के वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर है आफ्टर जो है कि लता मंगेशकर जी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अरिजीत सिंह जो आप लोग समझते हैं कि वो अच्छे सिंगर हैं, नो डाउट। बट अरिजीत सिंह का एक एक्सटेंडेड वर्जन है सोनू निगम, और क्योंकि सोनू निगम उनसे सीनियर भी हैं, तो भाई बोले तो जो सोनू निगम को देखकर ही अरिजीत सिंह ने गायकी सीखी है, और जिसके बदौलत मैं यह बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, और लास्ट वाला जो सीन है उसको क्रिएट करने में कहीं ना कहीं सोनू निगम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और जिस वजह से ये जो मूवी है वो भी एक तरीके से सुपरहिट हो चुकी है। और दोस्तों अब तक बात करें मूवी ने 8 दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया कलेक्शन कर लिया है, और बात करें आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आज के दिन मूवी 7 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, और जिसके साथ ही मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया नेट जो हो चुका होगा वो 174, जी हाँ दोस्तों 174 करोड़ का हो चुका होगा। और क्योंकि मूवी का बजट जो है कि हम सभी को पता है केवल 150 करोड़ है, और मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है, क्योंकि मूवी अपना बजट रिकवर करके जो है कि लगभग 25 करोड़ एक्स्ट्रा कमा चुकी है इंडिया नेट पे। और वहीं दोस्तों बात करिए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी ये मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से बाजी मार चुकी है, और लगभग जो है कि 265 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी बर्ड बैट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो बर्ड बैट भाई बॉक्स ऑफिस पे मूवी भी काफी बढ़िया चली है, और इंडिया में भी काफी अच्छी चली है, और जिस वजह से मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो 265 करोड़ हो चुका है। मूवी का बजट 150 करोड़ है, और जिस वजह से मूवी जो है कि अब तक सुपरहिट हो चुकी है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये मूवी है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और कार्तिक आर्यन के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। तो दोस्तों आपका क्या है इस मूवी के बारे में कहना, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। बाकी हमें सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।